ये? मुझे तो ये लड़के का बाप लग रहा है। तुम भी इस लड़के के बाप को ना सीधा करके आते हो, सबर करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, कैसे आना हुआ? मैं मुझे पाशा साहब ने पता है। आगे की बात कीजिए। जी दरअसल मुझे उम्मीद पाशा से मिलना था। जी मैं ही हूँ उम्मीद पाशा। आप ऊपर से नीचे तक मुझे देख लें, अच्छी तरह से तसल्ली कर लें, फिर अपना मुद्दा भी बयान कर दें। जी मेरा मुद्दा? शर्माए नहीं, खुल के बात करें, अच्छा है ना? आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपकी एज कितनी है? हिमाकतों वाली है, लेकिन शादी जैसी हिमाकत करने से पहले ना 100 बार सोचूंगी। तो आपको इस तरह की सोचें कब से तंग कर रही है? जब जब घर में मेहमानों के आने का बम फोड़ा जाता है मेरे सर पे। इसका मतलब है कि दूसरे लोगों से मिलने में भी आपको घबराहट महसूस होती है? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो चाह रही थी कि आप अपने बेटे को भी साथ ले आते, अच्छा है ना, उससे भी मुलाकात हो जाती। मेरा कोई बेटा नहीं। तो मतलब आप खुद ही उम्मीदवार हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूँ? हाँ अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? कोई है? पाशा साहब? नहीं है पाशा साहब, मैं ही बात करूंगी। संभालिए, बचाइए, छोड़ दो उसको। शदीद दौड़े पड़ रहे हैं ये।